Hi, my lovely Aries. Welcome to Floral Tower Reader. How you guys are doing, Aries? Aries, thank you so much. Really, thanks. Just ne mera channel subscribe kiya. It really means a lot, Aries. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक मैंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करो और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराओ एट वेरी मिनिमम फीस. ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइडेड है, जनरल रीडिंग एंड लव लाइफ रीडिंग. टाइम स्टैम्प नीचे मैंशन है. लेट्स चेक आपका सेप्टेम्बर मंथ कैसा रहता है एरीज. पहले हम चेक करेंगे आपके लिए या सेल्फ हीलिंग मैसेज क्या आता है. बस हो गया ये फोन की वैलिडिटी अब ख़त्म. बस बिहेव करने लग गया फोन. डीप ब्रीदिंग का कार्य एरीज. एरीज डीप ब्रीदिंग करो, लंबी सांस लो छोड़ो, प्राणायाम करो. प्राणायाम अगर आप करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी एनर्जी लेवल बहुत स्ट्रांग हो जाएगी. प्राणायाम में आता है अनुलोम विलोम, कपाल भाती, डीप ब्रीदिंग, ओम मेडिटेशन. सो काइंडली स्टार्ट डूइंग दैट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कमिंग फॉर यू. सो सेल्फ हीलिंग में आप डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो एरीज. लेट्स चेक आपके लिए रूनस से क्या मैसेज आता है. माई फेवरेट डेक. लेट्स चेक रूनस से आपके लिए क्या मैसेज आता है एरीज. आपके लिए मैसेज है वाओ. दिस इज अ ब्यूटिफुल कार्ड. इंग्वास का मतलब होता है न्यू बिगनिंग्स का एरीज. आपकी लाइफ में कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाली हैं. देखिए ये LGBTQ कपल है तो जितना मुझे दिख रहा है आप लोग शायद एक रिलेशनशिप में आ सकते हो. न्यू लव लाइफ आपकी बिगिन होते हुए दिख रही है. देयर आर सम सर्टेन न्यू बिगनिंग्स स्टार्टिंग फॉर यू. कुछ न्यू बिजनेस, कुछ न्यू वेंचर स्टार्ट कर सकते हो. एंड सेप्टेम्बर इज़ ऑल अबाउट अ फ्रेश स्टार्ट. सो गुड एनर्जी कमिंग फॉर यू एरीज. एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो, ये तो मैं जनरल रीडिंग में बोल रही हूँ, तो आपकी लव लाइफ बेटर होते हुए दिख रही है. ओके लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंड बाय द वे बस मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ, ये सब जनरल एनर्जी जो मैं लव रीडिंग बनाती हूँ ना वो यूट्यूब ऑडियंस के लिए होती है, जो डिमांड करते हैं कि करंट एनर्जी बताओ, इंटेंशन बताओ. तो इसको और उसको एक साथ मत जोड़ना. अगर आपका कोई पार्टनर है तो ही वो रीडिंग देखो. अगर इफ़ यू डोंट बिलीव इन करंट एनर्जीज एंड ऑल देन यू डोंट नीड टू वॉच दैट सेगमेंट. आई डोंट बिलीव इन करंट एनर्जीज एंड ऑल. लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है. एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ, लव लाइफ जनरल रीडिंग फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर 2023. द डोमिनेटिंग एरीज. हाँ ओके, आपके लिए आया है 10 of Pentacles. ब्यूटिफुल कार्ड. किंग ऑफ कप्स. वाओ, ओ वाओ, ओ गॉड, हेवनली गुड कार्ड्स एरीज. वाओ, क्लेम अभी से ही लिख दो कमेंट सेक्शन में. प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, पैसे, फेम, सब बढ़ रहा आपका सितंबर मंथ में. लेट्स टॉक अबाउट 10 of Pentacles कार्ड, द मनी मेकिंग कार्ड. वाओ, पैसे आपके बहुत बढ़ रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी बहुत बढ़ रही है, नंबर वन. नंबर टू, शायद अगर आपका बहुत टाइम से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट कुछ चल रहा था, कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इश्यूज़ या कुछ इन जनरल प्रॉपर्टी इश्यूज़ या कोई लीगल केसेस चल रहे थे, तो वो लीगल केसेस आपके फेवर में आप उसे जीत जाओगे और वो सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. थर्डली, आई एम सीइंग दैट आपको अपने फोर फादर्स से, एंसेस्टर्स से, अपने फादर से, मदर से कुछ प्रॉपर्टी मिल सकती है, कुछ जनरेशनल वेल्थ आपको मिल सकता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. फोर्थ, 10 of Pentacles इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ कमिटमेंट, यूनियन. तो कहीं ना कहीं आपका शायद अरेंज मैरिज में रिश्ता होते हुए भी दिख रहा है, अगर आप लोग अरेंज मैरिज वाला रिश्ता ढूंढ रहे हो, या इन जनरल आपका मैरिज के बारे में बातें चल रही हैं, आपका मैरिज फिक्स हो सकता है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर. एंड 10 of Pentacles इज अ कार्ड ऑफ स्टेबिलिटी. तो मुझे स्टेबिलिटी, मुझे ये भी दिख रही है कि आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो काफ़ी बढ़ रही है. आप लोग एक बहुत ही स्टेबल इंसान बन रहे हो. आप लोगों को कहीं से भी इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हो रही. आप लोग कॉन्फिडेंट हो एंड यू आर डूइंग बेस्ट इन लाइफ एंड यू आर फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ एरीज. वही ना, स्टेबिलिटी. ये तो दो कार्ड, अरे ब्रिलियंट कार्ड्स हैव कम अप फॉर यू एरीज. किंग ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स.
सबसे कंफ्यूजिंग कोर्ट कार्ड्स होते हैं, क्योंकि सबकी, सारे किंग्स होते हैं और सबकी एनर्जी एक जैसी होती है। पहले हम किंग ऑफ कप्स से शुरुआत करेंगे। सो किंग ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव, रोमांस, इमोशंस, वही ना, न्यू बिगिनिंग्स। यार अगर आप लोग सिंगल हो, आपकी लाइफ में न्यू लव आने वाला है एरीज नंबर वन, या आपका रिलेशनशिप, डेटिंग, ये सब स्टार्ट होने वाला है। आई एम सीइंग वही स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ रही है और इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। यू आर बिकमिंग दिस वेरी इमोशनल, वेरी काइंड पर्सन। अब मुझे ये भी दिख रहा है आपका जो इंट्यूशन लेवल है वो भी बहुत बढ़ रहा है। आप लोग अपने अपने रिश्ते, अपने फैमिली के, आपका फैमिली के साथ रिलेशनशिप बहुत बढ़ रहा है। आप लोग आसपास के जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, उनके साथ आप एक एम्पैथेटिक बिहेवियर रखोगे, उनसे आप रूडली बात नहीं करोगे, आप उनसे अपना रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग करोगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड मुझे ये भी दिख रहा है आप लोग का लुक्स काफ़ी अपग्रेड हो रहा है, आप काफ़ी ब्यूटीफुल पर्सन बन रहा है, आपका ऑरा, आपका मैग्नेटिज्म बहुत बढ़ रहा है। अगेन वेरी पावरफुल कार्ड एरीज, पैसे ही पैसे छाप रहे हो, ये क्या बात हो रही है इतने पैसे छाप रहे हो, वेरी गुड। बट ये पैसे आप ऐसे नहीं कि बस बैठे बैठे छाप रहे हो, नो, मेहनत की है और उसका आपको फल आपको सितंबर मंथ में मिल रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने ट्रेडिशन से, अपने रूट्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जस्ट गॉट दिस एनर्जी फ्रॉम एंजल्स, वाओ, जस्ट ब्यूटिफुल, इज दैट अगर आप लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका प्रमोशन होने वाला है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, बहुत, और प्रमोशन ऐसे ही नहीं, अच्छा प्रमोशन होने वाला है, वेरी गुड पोजिशन, वेरी गुड सैलरी हाइक, इंक्रीमेंट इन सैलरी, इंक्रीमेंट इन पोजिशन, नेम, फेम, सक्सेस आपका बहुत बढ़ रहा है इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। और जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आपका रिजल्ट सेप्टेम्बर में डिक्लेयर होने वाला है, आपकी नौकरी लगना तय है, वो भी सरकारी नौकरी। ओवरऑल वेरी गुड कार्ड्स, लीगल केसेस सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहे हैं, चीज़ें ना, लाइफ आपकी ना काफ़ी काफ़ी स्टेबल दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। यू विल बी इंजॉइंग योर लाइफ, यू विल बी डूइंग हार्ड वर्क एंड यू विल बी इंजॉइंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम योर हार्ड वर्क। सो वेरी गुड एनर्जी कमिंग अप फॉर यू, बस डीप ब्रीदिंग करिए। अगर आपको कभी भी अनईजी फील होता है, रेस्ट, योर सेप्टेम्बर मंथ लुकिंग इज लुकिंग वेरी गुड फॉर यू। सो दिस वॉज योर जनरल रीडिंग, लेट्स चेक योर लव लाइफ रीडिंग फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। हाई एरीज एंड वेलकम टू योर लव लाइफ रीडिंग। अगर आप किसी इंसान को लाइक करते हो, लव करते हो, उस इंसान को अपने माइंड में रखो, ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दो एरीज। लेट्स चेक करेंट एनर्जीज, इंटेंशंस कैसे हैं आपके पार्टनर के। ओके, पहले हम देखते हैं जनरल एनर्जीज क्या आ रही हैं। पेशेंस, ओके एरीज, पेशेंस रखिए। ग्रैटिट्यूड, दैट्स ब्यूटिफुल। एंड लिव योर पैशन, वाओ, ग्रेट, ग्रैटिट्यूड शो करो अपने पार्टनर के लिए। ओके एरीज, लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या मैसेज आता है। एंजल्स, हायर बींग्स, एंसेस्टर्स, लव लाइफ फॉर एरीज इन द मंथ ऑफ सितंबर 2023। करेंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, पेज ऑफ वॉन्स, अरे यार, इंटेंशन ऑफ योर पार्टनर, फ्यूचर एक्शन ऑफ योर पार्टनर, योर एनर्जी एंड फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप। रुक जाओ यार, ये क्या है, हाँ ऐसे कर लेते हैं। यू आर स्ट्रांगली डीलिंग विद स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज, एंड मुझे कैप्रिकॉर्न की स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। ओके, मुझे ना क्या दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है ये तो अब कोई पास्ट का पर्सन है आपकी लाइफ में वापस एंट्री लेने वाला है, ये पास्ट का पर्सन है। बात करी जाए करंट एनर्जीज की, इट्स पेज ऑफ वंस, दे आर एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम यू। वो आपका पार्टनर ना कुछ आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहा है, कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहा है, नंबर वन। नंबर टू, मैं ये बोलूँगी आपको प्यार तो नहीं करते हैं, आपसे बहुत अट्रैक्टेड हैं, आपसे काफ़ी अटैच्ड हैं, बट दे डेफिनेटली वॉन्ट टू नो यू मोर, दे डेफिनेटली वॉन्ट टू टेक थिंग्स फॉरवर्ड विथ यू। इनके बहुत चाहने वाले भी हैं, ये जो पार्टनर हैं आपके, दे हैव अ लॉट ऑफ सूटर्स, लॉट ऑफ बॉयज, लॉट ऑफ गर्ल्स रियली लाइक देम एंड दे रियली वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट इन देयर लाइफ एरीज, बट दे आर चूजिंग यू, क्योंकि देखिए यहाँ पे हाथ हाथ काफ़ी, और ये ऑटोग्राफ ले रहा है। सो कहीं ना कहीं इनके सूटर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो बट दे आर इंटरेस्टेड इन यू एरीज। सो करंट एनर्जीज अच्छी हैं, कुछ क्लैरिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपके पार्टनर इस मोमेंट पे। बात करी जाए इंटेंशन की विद ग्रैटिट्यूड, एंड दे आर हैविंग अ लॉट ऑफ पेशेंस, या
दे वॉन्ट सम न्यू बिगनिंग्स विद यू, दिस इज नॉट अ कार्ड ऑफ एंडिंग. इंटेंशन इनका ये है कि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं. डेथ ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो किसी रिलेशनशिप से निकले हैं और अब आपको चूज कर रहे हैं या आपके साथ आना चाहते हैं. सी आई वुड से इनका जो इंटेंशन है राइट नाउ इट्स लिटिल नेगेटिव राइट नाउ. दे बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत नेगेटिवली सोच रहे हैं, बट वो आपके साथ एक रिलेशनशिप में आना चाहते हैं. आप सोच रहे हैं मैं ये चीज़ क्यों बोल रही हूँ, इट्स बिकॉज ऑफ दिस कार्ड एंड बिकॉज ऑफ द फ्यूचर, इट्स बिकॉज ऑफ द अदर कार्ड्स. सो कहीं ना कहीं जो इनका इंटेंशन है ना, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं एंड दे आर इन नो मूड टू डू एनी काइंड ऑफ टाइम पास विथ यू. दे वॉन्ट समथिंग सीरियस, समथिंग मीनिंगफुल विथ यू एरीज. फ्यूचर एक्शन इज ब्यूटिफुल. वाओ, फ्यूचर एक्शन मुझे ये दिख रहा है कि आपसे काफ़ी क्लोज आएंगे इमोशनली. आप लोग स्पिरिचुअली लेवल पे बहुत ज़्यादा कनेक्ट करोगे एरीज अपने पार्टनर के साथ. स्पिरिचुअल कनेक्शन, इमोशनल कनेक्शन, मेंटल कंपैटिबिलिटी आप दोनों की बहुत बढ़ रही है. आई एम सीइंग दैट ये जो आपका पार्टनर है ना, ये बैलेंस बना के चलेगा आपके साथ. आपको फुल टाइम देगा, आपको फुल फ्रीडम देगा एंड दे विल रियली लव यू अलॉट. एंड आई एम सीइंग दैट दे एक्सेप्ट यू फॉर हु यू आर. उन्होंने आपको फुल्ली एक्सेप्ट किया या आने वाले टाइम पे एक्सेप्ट किया है. प्लस आई एम सीइंग दैट दिस टेम्परेंस इज अ काइंड ऑफ डिवाइन कनेक्शन. आप लोग डिवाइनली बहुत कनेक्टेड हो, गाइडेड हो बाय एंजल्स. सो वेरी गुड गॉड. देखो ये आपके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आएगा. आप लोग का डेफिनेटली फ्यूचर मुझे दिख रहा है. आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो एरीज. यू आर बिकमिंग वेरी नेगेटिव. आपको ऐसा लग रहा है कि कोई फ्यूचर नहीं है, कोई कुछ नहीं है. आप अभी भी अपना पास का बैगेज लेके पड़े हुए हो. आई डोंट नो व्हाई यू डू दिस. पास में जो हुआ उसे छोड़ो, उससे हील हो, उससे मूव ऑन. और हीलिंग के लिए आपको डीप ब्रीदिंग प्राणायाम करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी जनरल रीडिंग में आया था. सेकेंडली, यू डोंट फील दैट काइंड ऑफ कनेक्शन विथ योर पार्टनर राइट नाउ. सो योर एनर्जीज आर लाइक दैट. एंड कहीं बहुत नेगेटिव सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव थाट आता है तो वो चेन ऑफ नेगेटिव थाट्स बन जाता है. देखो अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, अगर आपको अपने पार्टनर से कोई प्यार नहीं है, कुछ नहीं है, तो दूसरे का टाइम खोटी मत करो, दूसरे का टाइम वेस्ट मत करो, उसको जाने दो, लेट गो करो, लटका के मत रखो किसी को भी. आई वुड से दिस थिंग. फ्यूचर आप दोनों के रिलेशनशिप का टू ऑफ वॉन्स इज अ कार्ड ऑफ सीइंग फ्यूचर टुगेदर, बिल्डिंग फ्यूचर टुगेदर एंड थिंकिंग, प्लानिंग. कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है फ्यूचर में आप लोग एक साथ एक ट्रिप पे जाओगे, हॉलीडे पे जाओगे. आप दोनों के बीच में मुझे ये भी दिख रहा है अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है या लॉन्ग डिस्टेंस आपका बॉन्ड है, तो आप लोग एक सिटी में आने वाले हो, एक साथ आने वाले हो. एंड आई एम सीइंग दैट आप लोग के जो ड्रीम्स विजन्स हैं ना, वो अलाइन होने वाले. जो आप चाहते हो, आपका पार्टनर भी सेम चीज़ चाहता है. And I'm talking about both personal and professional goal series. So कहीं ना कहीं देखिए energies अच्छी हैं. आपकी energy थोड़ी negative हो रही है जिस वजह से ये death card आया है. कहीं ना इनके mind में, आपके partner के mind में ना insecurity है. So kindly if you know कि आपका partner insecure हो रहा है, तो please उन्हें clarity दो. उन्हें please बताओ कि नहीं मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ या नहीं मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता हूँ. वो क्लैरिटी, वो कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एरीज एट दिस मोमेंट. ओके, लेट्स चेक. बाकी सब अच्छा दिख रहा है. रिलेशनशिप आगे स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है आप दोनों का. लेट्स चेक आपके लिए आपका पार्टनर आपको क्या मैसेज पहुंचाना चाहता है. लेट्स चेक सम चैनल मैसेजेस. सो व्हाट एरीज पार्टनर वॉन्ट्स टू से टू एरीज. लेट्स चेक. आई कांट एक्सप्रेस माई सेल्फ. Childhood trauma. This is your partner having childhood trauma. Okay. Why do I feel this way? I wish I could understand you. So these were some messages, channeled messages from your partner. I hope you like my reading. If you like my reading, so please like, comment, share, and subscribe to Floral Tarot Reader. Bye bye.